हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एटी ज्ञान पे। मेरा नाम है विनय। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सिटी मॉल पे एज ए सेलर कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो मैं आपको थोड़ा सा सिटी मॉल के बारे में बता देता हूँ। तो सिटी मॉल बेसिकली पहले ग्रोसरी के अंदर डील करता था, लेकिन अब वो और भी वर्टिकल्स के अंदर जा रहे हैं। तो वो यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, और जैसे अमेज़न फ्लिपकार्ट से कस्टमर प्रोडक्ट को बाय करते हैं, इसी तरीके से सिटी मॉल से भी कस्टमर प्रोडक्ट को बाय करते हैं। तो यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो सिटी मॉल पे। और सिटी मॉल पे जो सेल करने का जो प्रोसेस है, ऑनबोर्डिंग का जो प्रोसेस है, वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगा कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है सिटी मॉल पे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हम इस चैनल पर ऐसे ई कॉमर्स मार्केट प्लेस से रिलेटेड वीडियोज़ को लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में seller.citymall.live यहाँ पे टाइप करना है, जो क्रोम का ऊपर सर्च करने वाला ऑप्शन होता है ना, वहाँ पे, और डायरेक्ट इस पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे सीधा इस पेज पे आ जाओगे, यहाँ पे सिटी मॉल पे, और यहाँ पे आपको सिंपली क्रिएट योर सेलर अकाउंट इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं आप अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको योर नेम, जो आपका नाम है, वो यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ, और यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन नेम, ट्रेड नेम है, GST सर्टिफिकेट, तो GST पे जो नाम है वो नाम आपको यहाँ पे डालना है, अपने आपके बिजनेस का जो नाम GST पे है। बिलिंग एड्रेस, मतलब कि जो GST सर्टिफिकेट पे है आपका एड्रेस, वही वाला एड्रेस आपको यहाँ भी डालना है। तो मैं उस एड्रेस को यहाँ पे डाल देता हूँ। तो एड्रेस को डालने के बाद यहाँ पे आपको अपनी मेल आईडी डालनी है, जो मेल आईडी आप यूज़ करना चाहते हैं वो मेल आईडी यहाँ पे डालनी है। वेयर डू यू नो हेयर, तो यहाँ पे आपको अदर्स पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद यस के सामने जो मार्क है उसके ऊपर टिक करना है, और गेट OTP पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हो, उसके बाद आप दोबारा से इसी पेज पे आ जाओगे। आपको सिंपली अपना मोबाइल नंबर जो अभी आपने डाला है, उस मोबाइल नंबर को दोबारा से डालना है, और यहाँ पे आपको सिंपली गेट OTP पे क्लिक करना है। जैसे आप इसको ऊपर क्लिक करते हो, आपके पास मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को आपको दोबारा से यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली उस OTP को यहाँ पे डाल देता हूँ जो मेरे मोबाइल नंबर पे आया है। OTP डालने के बाद आपको साइन इन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स और भरनी है, जैसे कि आपकी जो कंपनी है वो क्या है, मतलब प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन टाइप क्या है इसका। तो यहाँ पे मैं सिंपली प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट करूँगा, तो ऑर्गेनाइजेशन टाइप में यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे मैं सिंपली सोल प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट करने के बाद आपको वेंडर कैटेगरी में यहाँ पे प्राइवेट लेवल सेलेक्ट करना है, अगर आप प्राइवेट लेवल से देखते हो प्रोडक्ट को। तो उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आपका एड्रेस, पिन कोड, तो आपको यहाँ पे सिंपली आपका बिलिंग एड्रेस पिन कोड डाल देना है। तो मैं यहाँ पर अपना बिलिंग एड्रेस पिन कोड डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे वेंडर टाइप पूछा जाएगा, तो मैं सर्विसेज करता हूँ, मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ मैं, तो मैं प्रोडक्ट को सेल करता हूँ खरीद के होलसेल से, तो मैं यहाँ पर सर्विस सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन देख रहा है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके सामने टैग डिटेल्स भरने का ऑप्शन आ जाता है। आपको सिंपली यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल देना है, तो यहाँ पे मैं अपना पैन नंबर डाल देता हूँ। पैन नंबर भरने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा ई इनवॉइसिंग अप्रूवेबिलिटी, तो यहाँ पे आपको सिंपली इसको भी नो कर देना है। तो यहाँ पे मैं इसको नो कर देता हूँ। ये ई इनवॉइसिंग के लिए है, जो बहुत ज़्यादा बड़े ऑर्डर जाते हैं, बड़ी सेल होती है, उसके लिए होता है बेसिकली। तो यहाँ पे मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे सेव एंड नेक्स्ट पे, बैंक डिटेल, मतलब बैंक डिटेल भरनी है आपको, वहाँ में बैंक का नाम डालना है सबसे पहले आपको। तो जो आपका बैंक का नाम है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो मैं यहाँ पर बैंक का नाम डाल देता हूँ जिस बैंक में मेरा अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डालना है, तो बैंक अकाउंट नंबर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको सिंपली बैंक होल्डर का नाम डालना है। तो यहाँ पर मैंने बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया। उसके बाद बैंक होल्डर नेम, मतलब जो जिस नाम से आपका अकाउंट है उस बैंक होल्डर का नाम, और यहाँ पे IFSC कोड। तो उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो सबसे पहले आपको चेक अपलोड करना होता है, आप कैंसिल चेक अपलोड कर सकते हैं।
और फिर उसके बाद एक सिग्नेचर जो आपने साइन किया हुआ है वो आपको अपलोड करना होता है, उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद नीचे आप यहाँ पे आपका पैन कार्ड नंबर यहाँ पे आपको अपलोड करना है। उसके बाद अगर आपके पास SMSLD रेजिस्टेंट सर्टिफिकेट है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो नो करके यहाँ पे सेव पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करते हैं उसके बाद अपलोडिंग फाइल आ रहा है और यहाँ पे आपको अपना GST सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो GST सर्टिफिकेट मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। शिपिंग एड्रेस मैं यहाँ पे सेम एज बिलिंग एड्रेस कर देता हूँ जो शिपिंग एड्रेस है। उसके बाद GST नंबर यहाँ पे आपको डालना है और उसके बाद यहाँ पे जब आप GST नंबर डाल देते हैं उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक फॉर्म आएगा यहाँ पे सबमिट ऑनबोर्डिंग फॉर्म, इसको आपको यहाँ पे टिक कर देना है आई एग्री यहाँ पे करके और उसके बाद इसको सबमिट कर देना है। तो वैसे चीज उस पर क्लिक करके मैं इसको सबमिट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑनबोर्डिंग स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है 24 आवर्स या 48 आवर्स के बाद। यहाँ पे आपका पैनल कुछ इस तरीके से दिखेगा, यहाँ से आप इन्वेंट्री, ऑर्डर्स रिटर्न, इनवॉइस, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो और आपका पूरा पैनल इस तरीके से लाइव हो जाएगा। तो ये था एक वीडियो सिटी मॉल रजिस्ट्रेशन का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए।